फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Plus Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हमारे फोन पे इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की आवाज आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला छोटा सा, इसमें आपको बीच वाला बटन जो है रीस्टार्ट की तरफ सरकाना है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप होता है इसे आपको रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है, इसे टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज आएगा ऐप इन्फो का, इसमें आपको स्टोरेज यूजेस पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ना दो ऑप्शन मिलते हैं, पहले तो क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है, तो आपका ये जो क्लियर ऐप डेटा का पेज आएगा इसे ओके कर देना है, तो आपका ये डेटा के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। सॉफ्टवेयर लिखेंगे, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लेकर आएगा। आपको इस पेज में ना कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम आपको करना क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग पेज में लेकर आएगा, आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फोन की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।